हेलो बच्चों, मैं हूँ विनीता शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो एक्सरसाइज है 1.1 मैथ्स और प्राची बुक क्लास 7th है और चैप्टर है आपका नोइंग आवर नंबर्स। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू है। लिखा है द वैल्यू ऑफ मोड -3 प्लस मोड -2 प्लस मोड -6 और इसके ऑप्शन दिए -7 -5 1 और 11। ठीक है बच्चों, चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। अब बच्चों, हम मोड वाले क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं? मोड वाले क्वेश्चन को करने के लिए अगर हमें किसी भी नंबर की वैल्यू मोड में दी होती है, ठीक है, ये जो दो सीधी लाइन होती है इसे मोड कहते हैं। इस मोड के अंदर हमें किसी भी नंबर की वैल्यू अगर माइनस में दी हो और हमें मोड हटाना हो बच्चों, तो वैल्यू हमारी वो पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि वो नंबर हमारा प्लस का हो जाता है, माइनस उसमें से हट जाता है। ठीक है, मोड में से किसी नंबर को बाहर निकालते हैं तो वो पॉजिटिव नंबर हो जाता है। जिस तरह से हमारा -3 बन जाएगा, -2 हमारा 2 बन जाएगा और -6 हमारा 6 बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे तीनों नंबर प्लस के हैं तो हम इन्हें प्लस कर लेंगे, तो 3 + 2 + 6 हो जाएगा 11। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। सेकंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ -2 की पावर 2 इंटू -3 की पावर 3 इंटू -1 की पावर 3 और इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इन चारों में से आपका कोई एक आंसर जो होगा वो राइट होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को कैसे करेंगे हम, इस क्वेश्चन को, -2 की पावर हमारी 2 है, एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, -3 की पावर 3 है और इंटू में -1 की पावर 3 है। जिस नंबर पे हमारी जितनी पावर लगी होती है बच्चों, हमें उसे उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना होता है, यानी -2 की पावर 2 है तो उसको -2 को हमें 2 times मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 की पावर 3 है तो -3 को हमें 3 times मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसी तरह से -1 की पावर 3 है तो -1 को भी हमें 3 times मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बच्चों, आप चाहो तो इन सारे नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो जैसे मैं अलग अलग टुकड़ों में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, छोटे छोटे हिस्सों में, आप उस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, और माइनस के क्वेश्चन का करने का एक तरीका और है कि आप सारे माइनस जितने हैं उनको काउंट कर लो। अगर आपके नंबर इवन है, माइनस आपके इवन नंबर में है, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा प्लस में, और अगर आपके माइनस जो काउंट हो रहे हैं वो ऑड नंबर में हैं तो आपका आंसर जो होगा वो माइनस में आएगा। तो क्या करना है बच्चों, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो माइनस से मैं माइनस कैंसिल कर दूंगी, 2 माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं और 2 × 2 = 4। ठीक है, इन दोनों को मैंने कैलकुलेट कर लिया। आगे देखो, -3 है और -3 और -3 3 times मल्टीप्लाई किया हुआ है 3 को, तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27। 2 माइनस तो मेरे कट गए, ठीक है, 1 माइनस बचा था तो मैंने -27 यहाँ पर लिख दिया। पेयर में होंगे तो प्लस बन जाएंगे और विदाउट पेयर होंगे तो माइनस में आंसर आएगा। अब यहाँ देखो, 3 times 1 है, यानी कि ऑड नंबर में 1 है माइनस का साइन, ठीक है, माइनस का साइन मेरा ऑड नंबर में है तो मेरा -1 आंसर आएगा। अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 27 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी बच्चों, तो क्या आएगा, 108। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी 2 माइनस है, 2 माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, ठीक है, तो ये मेरा आंसर क्या आ गया, 108 पॉजिटिव। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है मेरा, सी वाला ऑप्शन है। अब यहाँ देखो, ऊपर भी मैंने ये 1 1 वाले माइनस कट नहीं किए थे तो 2 यहाँ पर माइनस कट हो जाएंगे, 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 - 3 बचा था मेरे पास और 1 - 1 जो मैंने नीचे ले लिया था 27 के साथ और 1 के साथ। ठीक है, तो मेरा आंसर इस तरह से आ जाएगा, तो ऑप्शन मेरा सी वाला जो होगा वो राइट आंसर होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, क्वेश्चन लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है -11 and 11। अब बच्चों, इसका सम करना है, किसका, -11 का और +11 का। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, आपको साइन की नॉलेज होनी चाहिए, माइनस का साइन और प्लस का साइन मिलकर के माइनस हो जाता है, तो 11 में से 11 ही माइनस कर दूंगी तो 0 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है -6 and 6। तो बच्चों, इसको भी ऐसे लिखेंगे हम, -6
और प्लस सिक्स, ठीक है। तो फिर से माइनस प्लस जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिक्स में से सिक्स गए तो जीरो, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेवन एंड सेवनटीन, माइनस सेवनटीन, ठीक है। तो उसको मैं कैसे लिखूंगी, सेवन प्लस माइनस सेवनटीन। सेवनटीन का अपना खुद का साइन है माइनस का, और मुझे क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है। तो मैं क्या करूंगी, दो साइन में इकट्ठे नहीं लगा सकती माइनस प्लस, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सेवन माइनस सेवनटीन, क्योंकि माइनस प्लस मिल करके माइनस प्लस मिल करके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेवन माइनस सेवनटीन। अब बच्चों यहाँ पर एक रूल और है, माइनस तो हो जाएगा यहाँ पर नंबर, लेकिन साइन कौन से नंबर का आएगा, तो साइन आपका आएगा बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है, सेवनटीन, ठीक है। जब भी हम माइनस प्लस करते हैं तो साइन हमारा उस नंबर का आता है जो नंबर हमारा बड़ा होता है, ये ध्यान रखना। अगर प्लस का नंबर बड़ा होगा तो कोई साइन नहीं आएगा, क्योंकि प्लस का कोई साइन नहीं होता, ठीक है। अब इसी का फोर्थ पार्ट है, वो है माइनस इलेवन एंड फाइव, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे बच्चों, माइनस इलेवन प्लस फाइव, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो इलेवन में से फाइव जाएंगे तो आ जाएगा सिक्स, और साइन बच्चों देखो कौन से नंबर का बड़ा है, इलेवन का, तो हमारे पास ये माइनस सिक्स आएगा, ठीक है। इलेवन माइनस का बड़ा है तो माइनस सिक्स आंसर आएगा, ओके। इसी का फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है माइनस एट एंड माइनस थर्टीन। अब देखो बच्चों दोनों जो नंबर है मेरे माइनस के हैं, तो मैं किस तरह से लिखूंगी, माइनस एट प्लस माइनस थर्टीन, और दोनों साइन इकट्ठे नहीं आ सकते, तो थर्टीन को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, दो साइन हम इकट्ठे नहीं लगा सकते, तो माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, और हम लिखेंगे माइनस एट माइनस थर्टीन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा, ट्वेंटी वन। लेकिन बच्चों माइनस माइनस प्लस होता है, पर साइन हमारा माइनस का आता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, पर साइन जो होता है वो माइनस का आता है। ये साइन के रूल आपको सारे याद रखने पड़ेंगे, तभी आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना।